हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी मैं चल रही हूँ रेडी होने। आज हम लोगों को यहाँ से निकलना है और इस साड़ी को मैंने मंगाया हुआ था एक लुक के लिए, बट कोई नहीं, घर आ गए पहले तो मैंने पहन लिया। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, मे बी इस ब्लॉग के बाद ही आए, नेक्स्ट ब्लॉग उसी का हो मे बी। आप लोग प्लीज़ गेस कीजिएगा कौन सी गुड न्यूज़ हो सकती है, काफ़ी बड़ी वाली है। सो अभी भाभी मेरे लिए चावल साफ़ कर रही है, ले जाना है चावल। हम लोग चावल घर से लेके जाते हैं, घर का चावल खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो चावल घर से हम लोग ले जा रहे हैं और अब चल रहे हैं रेडी होने। रेडी का मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, क्या कर दूँ? चलो कर देते हैं। 3 दिन से आप यही पहने हो, क्या करें? हे देखो कोहरा, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, ज़्यादा ठंडी है। कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ ठंडी की वजह से। मैं आ गई हूँ मेरी बगिया में, जैसा कि जब भी जाना होता है तो मैं आ जाती हूँ, फिर आ गई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ी कैसी लग रही है, बताइएगा जरूर। बहुत ठंडी लग रही है, बहुत हवा चल रही है, कोहरा ओ एम जी है। देखो कोहरा, देख रहे हो, पास की चीज़ें नहीं दिख रही है। मेरी बिटिया रानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सरसों का खेत, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। ओ मेरा घर दिख रहा है, देखो ए मेरा घर, ऊपर कपड़ा धुल के डाला हुआ है, देख रहे हो। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। क्या जब भी मैं आती हूँ ना, कितने अच्छे अच्छे व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना? मानते हो ना आप लोग? जब भी आती हूँ ये सारे चेंज हुए रहते हैं, कभी धान, कभी गेहूँ, कभी सरसों, ऐसा सब कुछ अलग अलग देखने को मिलता है। अब लग रहा है ज़्यादा देर मैं यहाँ पर रहूँ ना तो फ्रीज हो जाऊँगी। हाँ, सो गाइज हम लोग निकल रहे हैं। अभी निकलते निकलते 12:30 बज गए हैं। किसी का फोन भी आया है, शायद मम्मी का होगा, मम्मी का ही है। चलो गाइज मैं आप लोगों से रास्ते में मिलती हूँ, ठीक है? तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं लम्बुआ, घर जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं। जाने वाले नहीं थे, मन नहीं कर रहा था, बट फिर पापा का फोन आया कि नहीं आ जाओ, मैंने कहा चलो चलते हैं। रास्ते में ही चलते हैं, 5 मिनट के लिए जाएंगे बस। और हम ऐसे ही जा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं लगाया है, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो हमने कहा चलो चलते हैं अब। और हाँ, तो चलो चलते हैं हमारे मायके। जानू बुआ, बुआ देखो, बुआ बबू सेम 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 कर, हम भी आप भी। ये कौन है जानू? हाय करो, हाय हाय कर लो। दादी को देख रही है। आग मारो, मारो आग, क्या जानू? जीरा मार आओ। अच्छा पिक्चर एक पिक्चर आप देख सकते हो कितनी तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान सब एक ही साथ है। अभी रात के नहीं कुछ तो 8:30 या 8:45 ही हो रहे होंगे, बट इतना अंधेरा हो गया है और बारिश काफ़ी तगड़ी वाली हो रही है। देखते हैं कब घर पहुंचते हैं। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और कल रात में हम लोग काफी लेट आए हैं। इतनी तेज आंधी तूफान बारिश थी कि क्या क्या बताऊं मैं आप लोगों से। आने के बाद स्विगी जोमेटो सारी जगहों पर सर्विस ऑफ थी, तो हमें डिनर भी बनाना पड़ा, इसलिए मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। और जैसा कि मैंने कल बताया था ना आप लोगों से कि एक गुड न्यूज़ आने वाली, तो उसी के सिलसिले में हमें जाना है बाहर। मैं हूँ मेरे स्टूडियो रूम में, थोड़ा सा स्किन केयर फॉलो करना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, स्किन केयर भी ऐड कर देती हूँ। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ वाव स्किन साइंस का उबटन फेस एंड बॉडी स्क्रब, और एक काफ़ी गुड क्वालिटी का है। मैंने 1.5 महीने पहले आई थिंक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो मैं आज मेरी स्किन केयर करने वाली हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, इसमें भी ऐड कर दूंगी, 1 स्टेप इसमें ऐड कर दूंगी, 1 स्टेप मेरे कल वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगी। कोई आ गया, बेल बज गई, 9:30 बज रहे हैं, तो इतने टाइम कौन हो सकता है, दूध वाला शायद, तो मैं देख के आती हूँ। वाव जाना माना ब्रांड है और आप लोगों को पता ही है कि इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी पैराबेन या केमिकल ऑयल नहीं होता है, और इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं होता है, तो इसलिए हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी बता दे रही हूँ। चिकपी फ्लावर, एलमंड सेल पाउडर, सैफरन, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करते हो इतनी ज़्यादा भीनी भीनी फ्रेगरेंस आने लगती है, मतलब जो रियल रोज पेटल्स, रोज वाटर नहीं होता है, आप वो फील कर पाओगे। चंदन पाउडर आप फील कर पाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट है सभी 100% नेचुरल है, आपकी स्किन के लिए काफ़ी गुड क्वालिटी का है, तो हाईली रिकमेंडेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कच्ची हल्दी यहाँ पर दिख रही है, चंदन पाउडर, रोज पेटल्स, आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगी। वाव वाव सच में वाव है। तो चलो मैंने बातें कर ली बहुत सारी, अब देख लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। इसकी प्राइस है 399, बट हमेशा इस पर डिस्काउंट अभी भी इस पर सेल ही चल रही है। लिंक मैंने 3-4 जगहों का दे दिया है, तो आपको जहाँ से ज़्यादा सही लगे आप वहाँ से ले सकते हो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने फेस को वेस्ट करना है, यानी गीला करना है। तो मैंने मेरे फेस को कर लिया है गीला, आप देख सकते हो। इतनी सी क्वान्टिटी आपको लेनी है, नो एक्स्ट्रा कलर, आप देख सकते हो बस। वाह आपको स्क्रब करना है नोज एरिया पे, मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ नोज एरिया, फोरहेड एंड यहाँ पे। तो आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड तक स्क्रब करना है। आप चाहें तो गले पे भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और वैसे भी स्वेटर पहने रहते हैं आप। तो बस इससे हमें जो रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो भी सही हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा आलस में आ जाते हो कि कौन बनाए DIY, तो आप वाव का ले सकते हो। बाय द वे इसका छोटा पैक भी आता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ओके जब तक मैं यहाँ पर स्क्रब यूज कर रही हूँ, आप लोग रिव्यू देख लो। और हाँ, गुड न्यूज मैं आप लोगों को कल बताने वाली हूँ, आज सिर्फ आप लोग गेस करके बताओ कि कौन सी ऐसी गुड न्यूज हो सकती है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग गेस करके बताओ। सो गाइज, कुछ इस तरीके से है इसकी आउटर पैकेजिंग, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। पैकेजिंग देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वाओ स्किन साइंस उबटन फेस एंड बॉडी स्क्रब यहाँ पर मेंशन है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट बता ही दिया है, चिकपी फ्लावर, अलमंड सेल पाउडर, सैफरन एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल, हेल्प्स टू स्मूथ सॉफ्टन एंड डल स्किन। तो कुछ इस तरीके की है पैकेजिंग। रिवाइव डल स्किन है गाइस, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने सिर्फ डल स्किन बोला। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नेट वेट आपको मिल जाता है 200 ml। प्राइस है इसकी 399। सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है मैन्युफैक्चरिंग के बाद। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्रुएल्टी फ्री, 100% वेगन, ग्लूटेन फ्री एंड नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो एक्स्ट्रा कलर। ठीक है, तो ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और ये रही इसकी इनर पैकेजिंग गाइज, आप देख सकते हो उबटन फेस एंड बॉडी स्क्रब जो ऊपर मेंशन था वही इनर पैकेजिंग पे भी मेंशन है। नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो कलर। एंड वाव जाना माना ब्रांड है, आप लोगों को पता ही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसे लगाने के बाद मेरा फेस मॉइस्चराइज भी लग रहा है। और इसका बाय लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। रिव्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मेरी बड़ी वाली गुड न्यूज के साथ। तो अभी बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये तो मैं भूल ही जाती हूँ बोलना, बाय बाय।